उनकी कौन सी ऐसी वस्तु जिनकी दुकानें खुली रहेंगी? जानते हैं कि हम एक असामान्य परिस्थिति से जूझ रहे हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जो शायद पिछले 100 वर्षों में हमारे सामने आने वाली, मनुष्य के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है, और हमको इसी युद्ध स्तर पर उसी गंभीरता के साथ इससे लड़ना होगा। एक बड़ी अच्छी बात है कि 3 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, इसको लोगों ने स्वयं के निर्णय के रूप में लिया है और पूरी तरीके से इसे सफल बनाया है। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जानते हैं कि इस समस्या का स्वरूप ऐसा है कि इसके दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है, और उसमें आज जिस तरीके से सभी लोगों ने, सभी चीजों के होने के बाद भी हम जानते हैं कि इससे कुछ स्थानीय तौर पर, तात्कालिक तौर पर समस्याएं भी होंगी, लेकिन इस तात्कालिक समस्या से हम आने वाली बहुत बड़ी समस्या का जो बहुगुणित रूप होगा, जो मल्टीफोल्डेड जो इसका स्वरूप होगा, उसको न्यूनतम कर पाएंगे, उससे हम बच पाएंगे। और साथ ही साथ जो इन चीजों का ध्यान रखा गया इस लॉकडाउन में कि अगर आपको अनिवार्य सुविधाएं हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है या दूध है, इन चीजों को इससे मुक्त रखा गया है। साथ ही साथ अगर किसी को खाने संबंधी समस्या है या किसी हेल्थ संबंधी आकस्मिक समस्या आती है, इसके लिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर हैं कि आपको भोज्य सामग्री और बाकी चीजें, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए किसी आकस्मिकता की स्थिति में किसी को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन सामान्य स्थिति में हम घर से बाहर न निकलें, उस संकल्प को मजबूती के साथ अमल करने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है जो कि 3 दिनों का होगा। सर, अस्थायी जेलों का निर्माण के जो व्यक्ति बेवजह रोड पे घूमते हैं, कितने दिन का प्रावधान है उनको उस अस्थायी जेल में रखने का? समानता देखा गया कि अधिकांश लोग पूरी तरह से मिल करके इस समस्या से लड़ रहे हैं, पूरी तरह से इस समस्या के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं, पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण सबको खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसा लगता है कि कोई बार बार जानबूझकर इसका अतिक्रमण कर रहा है, इन नियमों को नहीं मान रहा है, तो उसमें फिर उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें किसी भी तरह का संक्रमण न हो इसको ध्यान रखते हुए कुछ अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं। ये प्रशासन को यह अधिकार है कि कुछ अस्थायी तौर पे कुछ विद्यालय, कुछ मैरिज गार्डन जो कि खाली हैं, उनको अधिग्रहित करके उनके रूप में चिन्हित कर सकता है, क्योंकि साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का भी ध्यान रखना आवश्यक है, इसलिए इसमें इस तरह की प्रावधान किए गए हैं। और समान तौर पर ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के बार बार इन चीजों का, इन नियमों का अतिक्रमण कर रहा है और इस समस्या को बढ़ाने में कहीं मदद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।